अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू 72 टीवी। दोस्तों मैं आज आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के हवाले से है। दोस्तों नजम सिटी के पीसीबी के चेयरमैन बनने के बाद मोहम्मद आमिर ने दोबारा टीम में कमबैक करने का ख्वाहिशमंद हुआ था, ख्वाहिश जाहिर किया था। तो इस हवाले से नजम सिटी ने बयान देते हुए कहा है कि अगर आमिर ख़ुद को टीम के लिए दोबारा दस्तियाब करना चाहते हैं तो मैं उसको नहीं रोकूंगा। साथ साथ नजम सिटी ने यह भी कहा है कि मोहम्मद आमिर का साबिका पीसीबी मैनेजमेंट के साथ इख्तलाफ की वजह से उसने ख़ुद को टीम से दूर किया था, रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और नजम सिटी ने यह भी कहा है कि साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का यह कहना था कि वो जिसने गलती किया है उसको पाकिस्तान में दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन नजम सिटी ने कहा कि मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि जो गलती करता है उसे सुधारने के भी मौका दिया जाए। तो नजम सिटी ने कहा है कि मैं मोहम्मद आमिर को दोबारा टीम में खेलने से मना नहीं करता, और मोहम्मद आमिर ने कहा है कि मैं पीएसएल में अच्छे परफॉर्मेंस देकर टीम में कमबैक करना चाहूँगा। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर टीम में कमबैक करे? अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर टीम में दोबारा कमबैक करे तो सोशल मीडिया पर उसको सपोर्ट करें, उसके लिए आवाज़ उठाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।